तो कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम है ताबिश। आज मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे इज्तिमे का मार्केट। भोपाल का बहुत मशहूर मार्केट होता है और ये भोपाल में शुरुआत इसकी तब से हुई है जब से भोपाल में इज्तिमा चालू हुआ है। और इज्तिमे की शुरुआत हुई है दोस्तों 1949 से, शकूर खां की मस्जिद से इसका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जैसे ही लोगों की माशाल्लाह तादाद बढ़ी तो उसके बाद ये जो है ताजुल मसाजिद में शिफ्ट हो गया, और माशाल्लाह और तादाद बढ़ी तो उसके बाद से ये जो है ईंट खेड़ी में होता है। लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जब से कोविड आया है तो 2 साल से तो इज्तिमा नहीं हो रहा है। लेकिन दुआ करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है दोबारा ये कोविड जल्द से जल्द ख़त्म हो और फिर से जो है इज्तिमे की रौनक भोपाल में दिखाई दे और फिर से इज्तिमा चालू हो। और जैसे ये चालू होगा तो बिल्कुल उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं भोपाल के इज्तिमे का मार्केट। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इज्तिमे के मार्केट में अंदर, और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये रॉयल मार्केट से जो काला दरवाज़ा है उधर से सीधे अंदर आएंगे तो आप इज्तिमे में आ जाएंगे। बाकी चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और कैसा है अंदर का मार्केट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि शुरू से ही यहाँ पे रोड पे ही दुकानें शुरू हो गई हैं, और यहाँ पे साइड में खाने पीने की दुकान है, और यहाँ जैकेट्स कितनी ज़बरदस्त मिल रही हैं पूरी हर जगह। और ये देखिए आप बच्चे भी यहाँ पे ठेले पे सामान लेके जा रहे हैं डेकोरेटिव आपके घर के सजाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे जैकेटें मिल रही हैं। अगर आप अपनी नज़रें घुमाएंगे तो आपको आपके लायक कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाएगा जो कि आपको पसंद आए। जैसे कि ये एक ज़बरदस्त लेदर की जैकेट भी यहाँ टंगी हुई है। देखिए यहाँ पे मैं घूम रहा था और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप एक बाइकर जैकेट भी रखी हुई है। तो भैया क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा जी। ये जैकेट कितने की? बाइकर वाली 2500 रुपये। 2500 रुपये में देख सकते हैं आप, 2500 रुपये में जो है ये बाइकर जैकेट मिल रही है आपको। पूरी एकदम इम्पोर्टेड है, ये ब्रांडेड है, देख सकते हैं। कितने में लग जाएगी फाइनल? ये यार फाइनल ही होता है इसके। फाइनल मतलब कोई हमारे व्यूअर्स लेने आए तो कितना लग जाएगा इसमें? 2200 रुपये में हो जाएगी। देखिए दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक के लिए आपको अगर जैकेट चाहिए नॉर्मल पहनने के लिए तो ये अच्छी जैकेट है, 2200 रुपये में आपको मिल जाएगी। और अगर कोई साथी हफ्ते लिए यहाँ सर्दी के लिए कोट्स ढूंढेंगे तो यहाँ पे ब्राइडेड कोट्स भी हैं, पजामे भी हैं, और पजामों के रेट्स बहुत मतलब सस्ते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सुन ही पा रहे हैं कितने ज़बरदस्त और अच्छे पजामे मिल जाते हैं नए और पुराने। ये देखिए आप 50 रुपये में भी यहाँ पे आपको पजामा मिलेगा। यहाँ पे जो रेट्स हैं वो नेगोशिएबल रहते हैं, और बाकी कुछ नए चीज़ें होती हैं कुछ पुरानी, तो आपको उसमें छांटना पड़ता है कि क्या नया है और क्या पुराना जो आपको पसंद आ जाए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे और हमारे एक दोस्त में लगाए हैं जिन्होंने अभी ही यहाँ पे ये वाली जैकेट जो हम देख रहे थे इन्होंने ली है। कितने रुपए में ली आपने? ये हमने ली है 2200 रुपये। 2200 रुपये में देगा, जितना हमने बताया था उतने में इन्हें मिल गई है। और ये जो है बहुत मशहूर है टीम कस्वा, भोपाल की एक पूरी बाइकों की एक वो है टीम जो कि बहुत ज़बरदस्त टीम है टीम कस्वा। उसमें इम्पल्स गाड़ियाँ हैं तो ये उसके मेम्बर हैं। तो बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को क्या मतलब कैसा रहता है इज्तिमे का मार्केट? इज्तिमे का मार्केट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यहीं से ये जैकेट्स खरीदी थी। जैकेट्स खरीदी क्योंकि ये गियर्स जो हैं राइडिंग गियर्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। सही बात। यहाँ क्या है कि कम रेट्स में मिल जाते हैं। मतलब आप देखो ना 10-12 हज़ार जैकेट ये 2200 रुपये में मिल जाएगी आपको। और क्या चाहिए? बस सर बस ज़बरदस्त। ये देखिए हमें बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पे जो है पुलोवर्स की शॉप मिली है, ब्रांडेड पुलोवर्स हैं और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम और बहुत वेराइटीज़ हैं इनके पास। ये देखिए 80 रुपये में जो है आपको यहाँ पे पुलोवर मिल रहा है, कहीं और मिलेगा आपको 80 रुपये में इतना ज़बरदस्त पुलोवर? तो दोस्तों हमारे साथ हमारे एक यहाँ पे सब्सक्राइबर भी हैं दीपक भाई। दीपक भाई की यहाँ पे शॉप भी है। भाई हमारे व्यूअर्स को बताओ आपके कब से आपकी दुकान यहाँ पे आप लगा रहे हो इज्तिमे में? टाइम हो गया 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल हो गए तो देख सकते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट पेंट वगैरह रहती है। एक्सपोर्ट पेंट वगैरह यहाँ पे बैंगलोर मुफ्ती पेपर लंदन सब ब्रांडेड पेंटें रहती है। तो यहाँ पे कितने कितने के प्राइस हैं आपके इसमें? इसमें सर जी जैसे कि जो बड़े बड़े शोरूम में जो 4-5 हज़ार रुपये की पेंट रहती है मेरे पास 200 रुपये में अवेलेबल है। 200 रुपये में अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। ये पूरा एक्सपोर्ट का माल है यहाँ पे, सब कुछ पेंटों का इम्पोर्टेड ब्रांडेड पेंट मिलेंगे आपको। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इज्तिमे में आए तो आपको ये आवाज़ें सुनने की आदत डली जाएगी, 150-150, 100-100, 100-100, तो ताकि आपको जो है यहाँ पे ग्राहकों को खींचने का यही इनका अंदाज रहता है, ऐसे ही बुलाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एडिडास का एकदम ब्रांडेड ओरिजिनल जो है यहाँ पे आपको अपर मिल रहा है विंड शीटर। क्यों भाई कितने का है ये? 650। फाइनल कितने का पड़ेगा? 550 हो जाएगा। तो कैमोफ्लेज जैकेट निकालना कितने की है वो? ये कितने की है? 700 रुपये। ये देखिए आप एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी में जो है ये कैमोफ्लेज जैकेट भी है यहाँ पे। फाइनल कितने की पड़ जाएगी ये?
650 हो जाएगा इसका भी। और भी बहुत सारे जैकेट्स देख सकते हो आप इनकी दुकान में, आपको देखेंगे तो आपको जो पसंद आया आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबके प्राइस सेम है कि अलग अलग? सबके अलग 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 प्राइस है, मतलब कम के भी मिल सकते हैं और ज्यादा के भी। 50 रुपए से 1000-2000 तक। 50 रुपए से 1000-2000 रुपए तक। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्लेजर्स भी मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कितने के हैं ब्लेजर्स? जी ये 350 रुपए का। और आपके यहाँ भी अगर कोई डेढ़ फुटी है छोटे बच्चे तो उनके लिए भी आप यहाँ पे जो है गर्म कपड़े ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी वैरायटीज के आपको यहाँ पे स्वेटर मिल जाएंगे। और ये तो नए लग रहे हैं, पुराने नहीं लग रहे हैं। शाम हो गई है और इसी के साथ भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का और कीमती सामान का बहुत ख्याल रखें। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत यहाँ पे घड़ियाँ मिल रही हैं, 150-150 रुपये से स्टार्ट हैं। और यहाँ पे आप मोज़े भी देख सकते हैं, ये भी बहुत कम दामों में। और क्रॉकरी का सामान भी आपको मिलता है, अगर आप किचन के लिए क्रॉकरी का सामान लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। कितने का समोसा? 10 के 3। तो मैं जैसे कि यहाँ से जा रहा था तो यहीं पर देखा कि यहाँ पे एक जूतों की भी दुकान है बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ब्रांडेड यहाँ पे जूते रखे हुए हैं। तो भाई आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर खान है। शेर खान, शेर खान जी यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाम ही इनके इतने ज़बरदस्त है। तो जूते कितने कितने के शेर खान? 160 रुपये के, ये 160 रुपये के हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आप रईस भाई की शॉप पे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके लेदर के आपको यहाँ पे जैकेटें मिलेंगी। रईस भाई कितने की रेंज में आपके यहाँ पे जैकेट हैं? भाई 800 रुपये है, 1200 है, 800 रुपये में, 1600 है। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त यहाँ पे आपको जैकेट्स मिल रहेंगे। अगर आप लोग मेरी तरफ बाइकर जैकेट्स पसंद करते हैं और बाइकिंग करने का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पे आके अपने लिए एक ज़बरदस्त सी जैकेट चूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैकेट चूज़ नहीं करते, जैकेट आपको चूज़ करती है। दोस्तों हम तो लोगों को देख रहे हैं तो हमारे भाई को खुद ही एक जैकेट पसंद आ गई है। बताए भाई कितने की? भाई ये 2500 रुपये की बता रहे हैं, अभी लेने की तो सोच रहा हूँ मैं, अब देखते हैं लेते हैं कि नहीं, मगर बहुत ज़बरदस्त लग रही है। देखो सही है, सही है। लेदर जैकेट मेरा एक तरीके से कमज़ोरी है, तो मुझे एक ये लेदर जैकेट जो है बहुत पसंद आ रही थी। वैसे तो चचा बोल रहा है कि 2500 रुपये, लेकिन रेट जो होते हैं यहाँ पे नेगोशिएट करे जा सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना नीचे तक गिरा सकते हैं। और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके छोटे अर्तुगरुल गाजी के लिए यहाँ जैकेट्स मिल रही हैं। और ये आ चुके हैं हम काले दरवाजे पे, यहीं से जो इस्तेमाल की एंट्रेंस है, आप चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी जो है आपको कई दुकानें मिल जाएंगी और मेन रोड पे भी दुकानें हैं। ये चीज़ इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए आप दो जो दुकान वाले हैं अपने ग्राहक को बुलाने के लिए कैसे आपस में जो एक ये फाइट की तरह करते हैं। एक इधर से चिल्लाता है 150-150-150, एक इधर से चिल्लाता है 150-150-150। आज बहुत मजे का है। ये चचा क्या बना रहा आप? खिचड़ा। खिचड़ा सड़ासड़ खिचड़ी खा मेरी पूछड़ी खा। अच्छा कब से बना रहा आप ये खिचड़ा? स्टार्टिंग से बना रहा है आप जी। ये देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त यहाँ पे खिचड़ा बन रहा है। मजे का है, आइए। बहुत मजे का है दोस्तों, चलिए। हैदराबादी। क्या नाम है आपका? हलीम बिरयान कबाब पराठे है। हलीम बिरयान कबाब पराठे, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है पूरा खिचड़ा और यहाँ पे पूरा खाने पीने का यहाँ पे लगा हुआ है जी। देख सकते हैं आप, ये रहे कबाब पराठे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सलमान भाई के होटल पे। तो यहाँ पे हमें शकील भाई मिले हैं। हाँ शकील भाई, कब से है आपका होटल यहाँ पे? यहाँ तो हमारा पुराना होटल तो 80 साल पुराना है, लेकिन ये अभी शुरुआत करा है। फिर शुरुआत करी है आपने फिर से। आप हलवे पराठे के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हलवा पराठा हमारे बड़ों ने बनाया है, बड़ों ने बनाया है ये, इसका मशहूर चल रहा है हलवा पराठा पूरे महाराष्ट्र में, आंध्र में, कर्नाटक में, ये सब हमारे ही चल रहा है। मतलब महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक, ये उरुस में दुकान लगती है हमारी, तो इसमें हमारा हलवा पराठा चलता है। ये बहुत फेमस चीज़ है हलवा पराठा हमारा जी। कितने फीट का रहता है ये? 4.5 फीट का होता है। ये हमारे हलवे के लिए जो है खास स्पेशल पराठा बनाया जा रहा है। देखिए आप कढ़ाई में डाल दिया गया है फ्राई करने के लिए, और ये निकल आया है हमारा कुरकुरा पराठा, एकदम गोल्डन करारा पराठा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट रहता है। ये फीका होता है और पराठा जो है फीका पूरा रहता है, और हलवा जो है ये जो हलवा है ये बहुत स्वीट रहता है, बहुत मीठा टेस्ट रहता है इसका। दोस्तों हमारे यहाँ पे एक और सब्सक्राइबर मिल गए हैं ताहिर भाई, ये शामपुर से स्पेशली यहाँ पे आए हैं 40 किलोमीटर से भोपाल हलवा पराठा खाने। मतलब इतना फेमस आपको क्यों लगता है हलवा पराठा में? क्या ऐसा खास है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वो ज़रूर ट्राई करें? भाई बस हलवा पराठा ऐसा है कि हम शुरू से ही यहाँ पे खाली खाने आते हैं,
पहले ईट खड़ी पे जाते थे खाने, फिर जब से यहाँ लगने लगा तो हम हलवा पराठा खाने हर 3-4-5 दिन में, मतलब 40 किलोमीटर का सफर करके यहाँ सिर्फ हलवा पराठा। देख रहे हैं आप, हलवा पराठे का क्रेज इतना है कि 40-40 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं खास तौर से हलवा पराठा खाने के लिए। तो दोस्तों ये आ चुका है हमारा हलवा पराठा। हम 4-5 फीट का तो नहीं खा सकते, लेकिन 250 ग्राम भी बहुत होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है। ये हल्का नहीं होता, बहुत हैवी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है एकदम फीका रहता है और इसको जो है बहुत मीठा एकदम स्वीट फ्लेवर होता है इसका। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो है टेस्ट इस वजह से जो इतना बैलेंस हो जाता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट रहता है। तो चलिए आपको खा के दिखाता हूँ। ये रहा निवाला और ये रहा हलवा, बहुत ही नरम और सॉफ्ट हलवा, बहुत गर्म हो रहा है एकदम ताज़ा ताज़ा, अंगूठा जल रहा है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। बचपन से मुझे जो है ना, ये यहाँ पे अगर आए हो आप, हलवा पराठा नहीं खाया तो फिर आप इस समय में नहीं आए। तो चलिए खा के दिखाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑसम टेस्ट, मज़ा आ गया। ये टेस्ट जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, भोपाल में ही मिलेगा ये हलवे पराठे का टेस्ट। और एकदम बहुत ही लजीज किस्म का, अगर किसी को मीठा अगर कुछ खाना है तो वो ये खाए। और बाकी हमने आपको इज्तिमा तो घुमा ही दिया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।